माई सेल्फ कुलदीप ठाकुर, बाई क्वालिफिकेशन आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, बट बाई प्रोफेशनल मैं अभी एज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव और एडमिन एट टेपर्स डांस स्कूल। मैंने टेपर्स डांस स्कूल को ज्वाइन किया ऑलमोस्ट 5 ईयर पहले, कि जो टेपर्स डांस स्कूल है उसको वैसे कोई नहीं जानता, यहाँ पे सब जानते हैं, तो ओनली श्रद्धा मैम को। तो श्रद्धा मैम एज अ ब्रांड, क्योंकि जो श्रद्धा मैम है वो डांस इंडिया डांस सुपर मॉम, जी टी वी सुपर मॉम में जाके आए ऑलरेडी, बट मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम टैपर्स को ब्रांड बनाएं, मतलब हमारे टैपर्स डांस स्कूल है उसको अगर मैं ब्रांड बनाऊँ, हम लोग ब्रांड बनाए, तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। तो टैपर्स डांस स्कूल को ब्रांड बनाने के लिए और वर्ल्ड वाइड फेमस करने के लिए मुझे सबसे पहले ज़रूरत थी डिजिटल मार्केटिंग की। जब मैंने टेपर्स डांस स्कूल ज्वाइन किया था, तो मैंने एज अ कोरियोग्राफर यहाँ पे टेपर्स डांस स्कूल को ज्वाइन किया था। बस यही था कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीखने का स्टार्ट करें, मतलब डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करें, बट प्रॉब्लम वही था कि वो कौन करेगा और कैसे करेगा। दूसरा एक प्रॉब्लम था, हमारे पास मतलब क्लास का PC है जिसमें सॉन्ग्स वगैरह एडिटिंग वगैरह सब होता है, बट पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेरे पास या फिर मैम के पास, हमारे पास वैसे कोई, हमने पर्टिकुलर हमारा पर्सनल लैपटॉप वैसे कुछ नहीं था। तो वो एक प्रॉब्लम मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास तब एक पर्सनल लैपटॉप नहीं था, जिसकी वजह से मैं जब चाहूँ तब जो काम चाहूँ कर सकता हूँ। जैसे हमारा टेपर्स डांस स्कूल को हमने ठान लिया था कि हमें ब्रांड उनको बनाना ही है कैसे भी करके, तो इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, पर्टिकुलर पहले जो हमारी टीम को थोड़ा स्ट्रांग बनाया, और हमने नए कोरियोग्राफर को जो मेरी जगह ले सके, जो मैम के साथ हेल्प कर सके, तो हमने ऐसे रिक्रूट किए जो अच्छे कोरियोग्राफर है, ताकि मैं कोरियोग्राफी से थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर फोकस कर सकूँ। डेफिनेटली हमने पर्सनल लैपटॉप भी हमने वो बाय किया कि जिसके ऊपर ओनली डिजिटल मार्केटिंग का वर्क हो। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मैम का, और डेफिनेटली मुझे मेरे टीम का पूरा सपोर्ट मिला। मेन वही है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है तो स्टाफ का सपोर्ट डेफिनेटली चाहिए। दूसरा वही है कि डिजिटल मार्केटिंग सबकी कंपनी के लिए ज़रूरी है ऑलरेडी, क्योंकि सब लोग को बस, मुझे इवन मुझे भी यही लगता था और सबको ये लगता था कि जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बस वही डिजिटल मार्केटिंग है। एक्चुअली वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है ओनली, हाँ वे है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के वे है, बट ओनली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम नहीं है वो। मैंने ये डिजिटल कोर्स करने के बाद मैंने सीखा कि नहीं, इससे बहुत बड़ी दुनिया है जो डिजिटल मार्केटिंग है वो। उसके लिए मैं पहला यही कहना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैंने जैसे बताया कि सबको लगता है इंस्टाग्राम फेसबुक जो है वो डिजिटल मार्केटिंग होता है, मैं भी पहले यही माना था, इसलिए मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब पे जो सब लोग मतलब पोस्ट करते हैं, स्टोरी रखते हैं या फिर लाइव करते हैं, वो सब ऑलरेडी करते थे। बट उसके लिए जो की पॉइंट है, की वर्ड्स है, या फिर SEO है, गूगल SEO है, या फिर फेसबुक SEO है, उनका जो अल्गोरिदम है वो कैसे क्या है, अगर वो टेक्निकली कोई पर्सन समझे ना, तो वो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत इजी हो जाएगा। कि मैं पहले सिर्फ पोस्ट रखता था, स्टोरी रखता था, बट उसके लिए जो की वर्ड है, जो हैशटैग है, वो यूज़ करना मैंने स्टार्ट किया। डेफिनेटली उसमें मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम के अलावा गूगल या फिर यूट्यूब, सारे जो स्टेजेस है फॉर डिजिटल मार्केटिंग, वो मैंने डिटेल में थोड़ा सीखा था वहाँ पे। डेफिनेटली मैंने मेरा जो आहा मोमेंट था वो मेरा सबसे पहले जो, क्योंकि मैं क्या था, जब भी मैं फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम यूज़ करता था ना, तो मैं जब भी यूज़ करता तो सबसे पहले मुझे दिखता था वो स्पॉन्सर्स करके ऐड आती रहती थी। तो मुझे वही लगता था कि ये जो स्पॉन्सर करके ऐड आती है वो वहाँ पे हमारा नाम क्यों नहीं है, क्यों ऐसा होता है, मुझे मतलब क्वेश्चन मार्क होता था कि मेरे स्कूल का नाम क्यों नहीं आता, या फिर कैसे किया जाता है ये। तो ये जब कोर्स किया तब मुझे पता चला कि अच्छा, हम कैंपेन रन करते हैं उससे ये होता है। तो मैंने बेस्ट चीज़ जो यहाँ पे सीखी थी वो मैंने फेसबुक कैंपेन या फिर इंस्टाग्राम पे कैंपेन जो रन करते हैं वो मैंने सीखा था। और उसका जो आहा मोमेंट था, मतलब जो आपने पूछा है जो आहा मोमेंट, तो रिसेंटली जो लॉकडाउन था अभी, तब हमने डांस का टसन करके एक कॉम्पिटिशन किया था, उसमें हमने फेसबुक कैंपेन थ्रू पूरी कॉम्पिटिशन को हमने हैंडल किया था, मार्केटिंग किया था। तो उसका वही था कि हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि हम लोग पहले सूरत से सीमित थे, मतलब सूरत तक ही सीमित थे, बट जो हमारे कॉम्पिटिशन में हमने रन किया, पूरे इंडिया लेवल पे हमने रन किया था वो कैंपेन, तो पूरे इंडिया में से ऑलमोस्ट 29 सिटी थी वहाँ पे से, मतलब सूरत के अलावा 29 सिटी और थी जहाँ से हमें ये रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ से सबने पार्टिसिपेट किया था। तो उस टाइम पे मैम ने बोला कि यार रियली प्राउड कि मैंने आप तेरे पास डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स करवाया है वो आज हमें एक्चुअली बहुत अच्छी तरह मतलब वो अप्रूव हुआ है। बट
बस यही था कि हमारा मेन पॉइंट कि मैंने जो मेरे लिए आह मोमेंट थी जो मैंने फेसबुक कैंपेन रन किया था और मेरा जो सपना था कि मेरी स्कूल का एड सभी कोई भी फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन करे, इवन वो फ्रेंड्स नहीं है, फॉलो नहीं है, फॉलो नहीं करता है, फिर भी उसके ऊपर वो हमारी एड दिखे। क्योंकि मैं भी टेक्निकल पर्सन हूँ, इसलिए कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है वो एक फ्यूचर है। और डिजिटल मार्केटिंग में फोकस करने के बाद, मतलब जब ये सिचुएशन आई, लॉकडाउन की सिचुएशन आई है, तब इतना अच्छा था, मतलब सब लोग मे बी अराउंड सूरत में 800 अलग अलग डांस क्लासेस है, छोटे बड़े सब मिलके। बट सब लोग को प्रॉब्लम वही हो रही थी कि अभी सब लॉकडाउन है इसलिए डांस कोई नहीं कर सकता, फिटनेस के रिगार्डिंग कोई नहीं कर सकता। बट हम हमें वो प्राउड था कि हम लोग उस टाइम पे एटलीस्ट सूरत में फर्स्ट नंबर पे थे जो ऑनलाइन क्लासेस चलाते थे। इवन डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग हम बहुत सारा हमने ग्रो किया हुआ है ऑलरेडी, जैसे कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इवन इंस्टाग्राम पे, तो हमने ऑलरेडी ये सब पॉसिबल हुआ हमारे डिजिटल मार्केटिंग वजह से। मैम का एक डांस के रिगार्डिंग टेक्निकल नॉलेज था और मेरा डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग टेक्निकल नॉलेज था, तो हमने वो मिला के ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी वो हमने कंप्लीट किया कि नहीं अभी ऐसा ही करना पड़ेगा। क्योंकि सबको पता था कि ऑलमोस्ट 6 मंथ के लिए, एटलीस्ट 6 मंथ के लिए कुछ स्टार्ट होने वाला नहीं है, जो भी करना है वो हमें ऑनलाइन ही करना है, डिजिटल थ्रू ही करना है। जैसे मैंने बताया कि हमने फेसबुक कैंपेन जो रन किया था उससे काफ़ी सारा रिस्पांस मिला था, उसकी वजह से हमारा, हम लोग पहले जो सूरत तक सीमित थे, अब पूरे वर्ल्ड, मतलब मैं इंडिया नहीं बोल सकता, अब तो पूरे वर्ल्ड में हमारे ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रहे हैं, जो पहले हमने सोचा भी नहीं था कि हम वर्ल्ड वाइड जा सकते हैं। तो ये जो हुआ वो ऑनली डिजिटल मार्केटिंग थ्रू हुआ। दूसरा हमारा सक्सेसफुल स्टोरी यही है कि YouTube पे जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसके पहले YouTube पे हमारे ओनली 7000 सब्सक्राइबर थे, बट आफ्टर दैट जब मैंने SEO algorithm, YouTube algorithm के बारे में जब सब सीखा मैंने, तो उसके बाद हमने उसके ऊपर वर्क स्टार्ट किया, वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो उसका सक्सेसफुल स्टोरी वही है कि अभी हमारे YouTube पे 80K अभी सब्सक्राइबर है। सेम हमारा फेसबुक पे भी वही है कि फेसबुक पे हमारे ऑलमोस्ट 3000-4000 अराउंड फॉलोअर्स थे या सब्सक्राइबर थे, बट अभी जो हमारे हैं वो ऑलमोस्ट 15K जैसे हैं। तो ये भी हमारी सक्सेसफुल स्टोरी है। जैसे कि सबने सुना है ऑलरेडी कि लर्निंग के लिए कोई एज नहीं है, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। Yes, learning digital marketing was the best decision that transformed my life.